प्रकरण को लेके यही कहना है कि गरीबों के कोई नहीं है, अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है। और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे लड़ाई लड़ूँ भी कैसे लड़ूँ, किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूँ, कौन मुझे न्याय दिलाएगा, मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन मुझे न्याय से तो उम्मीद न्याय तो मिलता, आज मेरी बेटी को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके चरित्र पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे, क्या गरीब कुछ जीने का अधिकार नहीं है? सर हम कहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 1000 बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि पहले वो गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ती थी ना, वो बॉयज़ में भी पढ़ती थी, तो अगर बच्चे बात भी कर लिए तो क्या इसका मतलब उन्हें ये मिल जाता है कि वो मार डाले मेरे बच्चे को? एक आदमी के पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो उससे क्या ये मिलता है कि कोई किसी को भी मार डाले? वो निजी ज़िंदगी थी मेरी बेटी की, वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले, वो किससे बात कर रहे थे किससे नहीं बात कर रही थी? घर में 11 बेटे हैं हमारे, वो तो भाइयों से भी बात कर रही थी, सबके साथ गलत लगा देंगे? सर क्या कहें सर, प्रशासन तो लगा कि अब न्याय ही दिला देगा, इतना बढ़िया से सब कुछ हुआ, अचानक एक रात में कुछ एक दिन में पलट जाना, ये सर तो बिल्कुल नामुमकिन टाइप का लग रहा है कि ये चीज़ आई कहाँ से। जिससे भी पूछा जा रहा है सब लोग बोल रहे हैं कि मित्र इस जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि न्यायालय का काम है न्याय दिलाना, पुलिस प्रशासन ने अपना काम कर दिया था, जो भी करना था उसको, जो भी उसको गलत लगा वो अपना काम कर दिया था, अब वो न्यायालय का काम था। और फिर पुलिस ने जो है उसको कहा कि ये सब कुछ ठीक है, ये लोग निर्दोष हैं, इस तरीके की बात क्यों आई? सर मुझे डाउट तभी लगा जब एक ईमानदार एक कर्मठ SP के हाथ से दूसरे ज़िले में चला जाना, वहीं से हमको डाउट लगा। लेकिन मुझे लगा कि सर सच तो सच होता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उनको जो है इस तरीके से लोग अपने शक्ति के हिसाब से उनको खरीद लेंगे, दबा देंगे, ये सब चीज़ें आ गई।